देखो मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी समझने के पहले आप देखेंगे तीन तरह के इकोनॉमी होते हैं जो मैंने लिखवाया था। पहला क्या? कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। इसमें क्या होता है? इसमें इस तरह का जो इकोनॉमी सिस्टम होता है उसमें जितने भी कुछ होते हैं, स्कूल, कॉलेज, कल कारखाना, जितना कुछ, ट्रांसपोर्टेशन, सबका ऑनर कौन होता है? पब्लिक। सारा पूंजी कौन लगाता है? पब्लिक लगाता है, ठीक है। ऐसे इकोनॉमी को क्या बोला जाता है? कैपिटलिज्म। मतलब सरकार वहां कुछ भी नहीं करता है। बट आप एक बात बताइए, यहां पर स्कूल है, प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट का भी है। बैंक को देखो, कुछ प्राइवेट बैंक है तो गवर्नमेंट का भी बैंक है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखो, जो बस चलते हैं, गवर्नमेंट का भी चलता है और प्राइवेट भी चलता है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि दोनों को ही मिलके गवर्नमेंट भी उसी तरह का बिजनेस कर रहा है, प्राइवेट वाले भी उसी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, और दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? अब जब दोनों मिलके कर रहे हैं तो क्या है आपके पास? च्वाइस है। आप प्राइवेट बैंक में भी जाते हैं, पब्लिक बैंक में भी। आप क्या करते हैं? प्राइवेट बस में भी चढ़ते हैं और गवर्नमेंट वाले भी बस में चढ़ते हैं, जैसा आपको सहूलियत है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? आपके पास च्वाइस मिलता है, आपको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है। लेकिन जहां पर सिर्फ पूंजीवाद रहेगा, कैपिटलिज्म, तो वहां पर सारे के सारे प्राइवेट होंगे, वहां पर आपको गवर्नमेंट का कुछ नहीं होगा। और जहां पर सोशलिज्म होंगे, समाजवाद, वहां पर क्या होगा? सारा कुछ किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। तो वहां पर भी ऑप्शन मिलेगा क्या? नहीं। आज जो इकोनॉमी हम लोग देखते हैं पूरे वर्ल्ड में, ना वहां पर कैपिटलिज्म है ना ही सोशलिज्म है। क्या है वहां पर? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ही हो गया जहां दोनों मिलके अपना अपना इकोनॉमी को डेवलप कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इकोनॉमी का डेवलपमेंट में। तो व्हेन बोथ फीचर्स मतलब इसका भी फीचर्स और इसका भी फीचर्स आर कंबाइंड टूगेदर, इट इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। आ गया समझ में? मिक्स्ड इकोनॉमी किसको बोलते हैं? इट इज द प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड। जो प्रेजेंट में जो वर्ल्ड देख रहे हैं उसमें जितने भी कंट्री हैं, हर जगह क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी ही है। ओके, अब आइए इसके फीचर्स को देखिए। फीचर्स में क्या होगा? नो डाउट अभी आपने देखा ना, अगर दोनों रहेगा तो आपके पास ऑप्शन है। क्या बोल रहा है? एग्जिट करता है बोथ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, मिक्स होता है। इकोनॉमी का जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है? प्लान वे से होता है, आपके पास च्वाइस मिलता है। सोशल कंट्रोल होता है ओवर वेल्थ ऑफ द नेशन। खाली प्राइवेट का अगर रहेगा तो सारे वेल्थ प्राइवेट के हाथों में चले जाएंगे। वैसे यहां पर क्या है? कुछ गवर्नमेंट भी कर रहा है तो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा से हुआ है। इकोनॉमी में इक्वलिटी आ रहा है, साथ ही साथ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एसेंशियल गुड्स एंड कंजम्पशन, देखते हैं ना वो जो राशन का दुकान होता है पीडीएस, वहां से क्या होता है? एसेंशियल गुड्स और सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहां से जाके लेते हैं। सोशल सिक्योरिटी मजबूत होता है। तो देखेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी में ये सारे फीचर्स हैं। हाँ, ये बात आप बोल सकते हैं कि सर दो नंबर के लिए इतना बड़ा देगा, ठीक है, नहीं देगा, बोलेगा ना व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, तो आप मिक्स्ड इकोनॉमी लिखिए। व्हाट इज द फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, तो ये लिखिए। ओके, बढ़े आगे।